दोस्तों अगर अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन को फिक्स कर देता हूँ और पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे को फिक्स कर देता हूँ और सूरज की फ़ोटो खींचता हूँ और ये पूरे साल भर हर दिन में विदाउट फेल करता हूँ फिर मैं उन सारी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके सूरज की पोजिशन को अगर ट्रेस करूँगा तो मुझे एक एट का फिगर मिलेगा जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर ये पूरी एक्टिविटी मैं मार्स पर जाकर करूंगा तो मुझे एक टीयर ड्रॉप के जैसा फ़िगर मिलेगा अगर सेम चीज मैं किसी सेटेलाइट के लिए देखूं जैसा कि अपना आई मिशन जो है नाविक मिशन जो है उसके अंदर अगर मैं देखूं तो उसका एक इन्फोग्राफिक यहां पे है जहां पर मुझे फिर से एक एट का फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानी ये जो दो सैटेलाइट लाल रंग की जो दो सैटेलाइट मुझे दिखाई दे रही है ये ऑर्बिट में धरती से देखेंगे तो आठ का फिगर बनाएंगी जैसे कि हमारे लिए सूरज बनाता है वैसे ठीक है और इन दो सैटेलाइट्स के लिए भी ऐसा है तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि ये आठ का फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा और आठ का फिगर क्यों बन रहा है और इन सैटेलाइट्स में और इन सैटेलाइट्स में क्या अंतर है कि इसके लिए वो फिगर नहीं बनाया जा रहा दोस्तों इन सबको समझने के लिए हमें कैप्लर साहब के लॉ को समझना बहुत जरूरी है कैप्लर साहब ने प्लानिटरी मोशन के तीन लॉ दिए उनका पहला लॉ ये कहता है कि हमारे पास अगर सूरज को लिया जाए तो सूरज के चारों तरफ घूमने वाला जो प्लेनेट है वो सूरज के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा अगर मैं एक सर्कल को लेके उसको दोनों साइड से थोड़ा खींच देता हूँ तो वो जो डिफोर्म्ड सर्कल है वो मुझे इलिप्स के जैसा दिखाई देगा सर्कल के पास एक सेंटर होता है इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं उसमें से एक फोकस पे मैंने सूरज को अगर रख दिया तो प्लैनेट उस सूरज के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा जिसको हम उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे दूसरा नियम ये कहता है उनका कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए इस प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व करूं ऑर्बिट में तो वो इस पोजीशन से मान लो इस पोजीशन तक पहुंचा एक महीने का ड्यूरेशन लगा उसको और ये जो लाइन है जो प्लेनेट को सूरत से कनेक्ट कर रही है इस लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ फिर मैं एक दूसरी लोकेशन पर पहुँच जाऊँ जब प्लानट यहाँ है और फिर मैं फिर से एक महीने के लिए इस प्लैनट के मोशन को ऑर्बिट में ट्रेस करूँ और फिर से सूरज से प्लैनेट को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है इसने कितना एरिया स्वीप किया इसको कैलकुलेट करूँ तो ये दोनों मुझे इक्वल मिलेंगे यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बराबर है लेकिन अगर तुम इसको ढंग से गौर से देखो तो तुम्हें यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाई देगा माना एरिया मैथमेटिकली बराबर है लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं इसको मैं अगर एक ट्राइंगल के रूप में रिप्रेजेंट करूँ और इसको भी एक ट्राइंगल के रूप में रिप्रेजेंट करूँ तो इस ट्राइंगल का बेस ज़्यादा है हाइट कम है इस ट्राइंगल की हाइट ज़्यादा है बेस कम है यानी जब प्लानेट सूरज के पास में है तो उसने उतने ही समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो सूरज से दूर है तो उसने उतने ही समय में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो सेकेंड लॉ हमें यह बताता है कि जब प्लेनेट सूरज के पास होगा तो उसकी जो स्पीड है वो तेज़ होगी और जब वो सूरज से दूर होगा तो उसकी स्पीड धीरे होगी अब हम अगर वापस जाकर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ इसको पढ़ें तो ये कह रहा है क्लॉक बिहाइंड सन और यहां पर ये कह रहा है क्लॉक अहेड ऑफ सन यानी घड़ी सूरज से पीछे रह गई घड़ी सूरज से आगे जा रही है तो ये घड़ी समय क्लॉक का पीछे आगे रह जाना ये क्या चीज है दोस्तों मैं तुम्हारा तो मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और आज हम इसी गुत्थी को सॉल्व करने वाले हैं तो देखें एक इन्फोग्राफिक देखते हैं अपन इस इन्फोग्राफिक में इस एनिमेशन में मुझे एक बीच में सूरज को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने येलो डॉट से और कुछ प्लेनेट बना दिए एक प्लेनेट जो है वो परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है तो एक वर्ड यूज़ होता है इसेंट्रिसिटी सर्कल के लिए सेंट्रिसिटी होती है ज़ीरो फिर मैंने इस सर्कल को थोड़ा सा डिस्टोर्ट किया मैंने इसेंट्रिसिटी कर दी जीरो पॉइंट टू ऐसे में इसेंट्रिसिटी को बढ़ाता गया तो सबसे ज़्यादा डिस्टोटेड जो मुझे दिख रहा है ये गुलाबी पाथ जो दिख रहा है इसकी इसेंट्रिसिटी है ज़ीरो पॉइंट एट तो अब तुम इस गुलाबी पॉइंट को देखो जब ये पास से निकलेगा तो ये जल्दी निकल जाएगा और जब ये दूर पहुंचेगा तो ये धीरे 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 चलेगा यानी जैसे जैसे मैं इलिप्टिकल पाथ बनाता जा रहा हूं मैं डिस्टोर्ट करता जा रहा हूं ऑर्बिट को सूरज इस ऑर्बिट के एक फोकस पे है और जब प्लानट सूरज के पास से निकल रहा है तो स्पीड तेज है और जब दूर जा रहा है तो स्पीड धीरे है तो मैंने दो लो की बात करी वो दोनों देख लिए तीसरा लो ये कहता है कि जब मैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करता हूँ सर्कल के अंदर मेरे पास रेडियस होता है लेकिन इलिप्स के अंदर मेरे पास एक्सिस होती है ये जो है इसको मैं कहता हूँ मेजर एक्सिस और इसको मैं कहता हूँ माइनर एक्सिस तो थर्ड लो जो कैप्लर साहब ने दिया उन्हें ये बोला कि प्लानट का सूरज के चारों तरफ घूमने का जो टाइम पीरियड है अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो वो प्रोपोर्शनल होगा ये जो मेजर एक्सिस है इसको आधा कर दो जिसको मैं कहता हूं सेमी मेजर एक्सिस उसके क्यूब के बराबर तो ये तीन लो ने दिए अब ये जो तीन लो ने दिए इससे उन्हें प्लेनेटरी मोशन को सूरज के तरफ घूमना जो है प्लेनेट्स का उसको उनने अच्छे से लो की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया अब यही चीज अर्थ और सेटेलाइट पे भी लगती है लेकिन हमें वेट करना पड़ा 19, '45 के साल का जब आर्थर सी क्लार्क एक बहुत ही बहुत ही अपने समय से बहुत ही आगे की सोच रखने वाले एक ऐसे इंसान जिनने ये मान लो कि जो ये स्पेस रेस है इसको एक शेप दी एक थॉट दिया उन्हें 1945 में एक पेपर लिखा एक टेक्निकल लेटर लिखा जहां पर उन्होंने बात करी सबसे पहले जीओ स्टेशनरी सैटेलाइट्स की उनने बोला कि धरती के ऊपर एक ऐसी पोजीशन अवेलेबल है अगर वहां पर एक सैटेलाइट को रख दिया जाए एक कम्युनिकेशन रिले को रख दिया जाए एक एंटीना वहां पे फिक्स कर दिया जाए तो वो जो एंटीना है वो ऐसे घूमेगा जैसे उसको धरती से बांध दिया हो तो जैसे जैसे धरती घूमेगी वो धरती के साथ घूमता चला जाएगा और जब वो धरती के साथ घूमता चला जाएगा तो हर वक्त एक पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा अगर हम ऐसे तीन सेटअप लगा दें तो हम कंटिन्यूसली पूरी अर्थ को कवर करके कम्युनिकेशन करवा सकते हैं ये बात उनने 1945 में इस पेपर में लिखी उनने और फिर समय बीता और 1964 में नासा ने सिनकॉम थ्री नाम की एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को लॉन्च किया जिसने टोक्यो से यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीविज़न ट्रांसमिशन करके यह प्रूव कर दिया कि जो आर्थर सी क्लार्क साहब ने बोला है वो सही है क्योंकि उसी आइडिया को उठाकर ये पूरा मिशन जो था वो डेवलप हुआ अब बात यह आती है कि ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती क्या है तो दोस्तों सिंपल समझते हैं मान लो ये धरती है और धरती के चारों तरफ मैंने एक ऐसा ऑर्बिट बनाया जिसके अंदर घूमने का जो समय है वो समय धरती के रोटेशन के समय के बराबर है यानी अगर धरती को पूरा चक्कर काटने में रोटेट होने में एक दिन लग रहा है तो वो जो सैटेलाइट है वो उस ऑर्बिट में जब घूमेगी तो वो भी पूरा एक दिन लगाकर वापस वहीं आ जाएगी इसको मैं कहता हूँ जियो सिंक्रोनस यानी धरती के साथ सिंक्रोनाइज्ड है उसका मोशन तो वो भी उतना ही समय लगाएगी धरती के चारों तरफ घूमने में जितनी देर में धरती घूमकर उस पोजिशन पर आएगी बाकी पूरे टाइम वो उसके साथ घूम रही है कि नहीं वो मुझे नहीं पता लेकिन अगर मैं टाइम फिक्स कर दूं मान लो पांच बजे का टाइम फिक्स कर दें तो हर दिन पांच बजे मुझे वो सैटेलाइट दिख जाएगी लेकिन अगर एक ऐसा ऑर्बिट डिफाइन किया जाए ये अर्थ है ये इक्वेटर है एक ऐसा ऑर्बिट डिफाइन किया जाए जो इसके ऊपर सैटेलाइट को रखे धरती से छत्तीस हजार किलोमीटर आगे उस केस में वो सैटेलाइट ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो अर्थ से बंध गया हो यानी अगर अर्थ घूमेगी तो वो सैटेलाइट अर्थ के साथ घूमेगा तो जब वो अर्थ के साथ घूमेगा तो वो मुझे हर वक्त स्टेशनरी दिखाई देगा मुझे हर वक्त उसी पॉइंट उसी लोकेशन पे दिखाई देगा तो मैंने उसको क्या बोल दिया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी इस ऑर्बिट में अगर किसी सेटेलाइट को रखा जाएगा ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है ये ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर के ऊपर से निकलती है इसको मैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर इसके अंदर मैंने किसी सेटेलाइट को रख दिया तो वो सेटेलाइट मुझे वहां पर फिक्स्ड दिखाई देगी तो डिफरेंस ये हो गया कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मुझे हर वक्त फिक्स्ड दिखाई नहीं देगी लेकिन पूरे दिन भर में चक्कर काट कर वो अगले दिन उसी वक्त वहां पहुंच जाएगी लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मुझे हर वक्त उसी पोजिशन पर दिखाई देगी यानी अगर मान लो ये अर्थ है और मैंने यहां पर एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को रखा है तो वो अर्थ के साथ घूमता गूं चला जाएगा लेकिन जियो ऑर्बिट के, के केस में हो सकता है अर्थ ज्यादा घूम जाए वो पीछे रह जाए या अर्थ कम घूमे और वो आगे चला जाए लेकिन चक्कर पूरा काट के वो जब अर्थ पूरी घूम के वापस वहां पहुंचेगी तब जियो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो भी वहां पहुंच जाएगा हर एक सैटेलाइट के लिए हर एक ऑर्बिट के लिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आईआरएनएसएस नाविक मिशन का तो मुझे जो अलग अलग सैटेलाइट्स दी हुई थी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस तुम देखो यहां पर इफ यू सी तो यहां पर यह लिखा हुआ था जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट एंड और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तो अब अपन ये समझते हैं कि वो आठ का फिगर बनता क्यों है तो ये मेरे पास आई नाविक मिशन की जो सेटेलाइट है उनकी ऑर्बिट है और मैं पोलर व्यू देख रहा हूँ पोलर व्यू मतलब जो अर्थ है उसके पोल पे मैंने कैमरा लगा दिया ऊपर खूब ऊपर और फिर मैं अर्थ को भी देख रहा हूँ और उसके चारों तरफ घूमने वाली सेटेलाइट्स को भी देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ देखना आप इस सर्कल में से एक दो तीन तीन सेटेलाइट इस सर्कल में से निकली ये सर्कल है यानी इसका जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम है ये एक सर्कल है राइट तो जब सर्कल में से निकली इस सर्कल में से निकली तो ये इक्वेटर के ऊपर रखा हुआ एक सर्कल है एग्जैक्टली इक्वेटर के पैरेलल नहीं है थोड़ा सा पांच डिग्री का टिल्ट है देखो यहां दिखाता हूं तो यहां पर देखो ये जो हरे वाली लाइन है इसको देखो हरे कर को देखो यहां पर हरा ऑरेंज के ऊपर है यहां पर हरा करव ऑरेंज से नीचे दिख रहा है क्योंकि ये परफेक्टली फ्लैट नहीं है तकरीबन इसमें पांच डिग्री का पांच डिग्री का टेल्ट है दोनों में इसमें भी और इसमें भी ठीक है लेकिन यह ऑलमोस्ट इक्वेटर के पैरल जैसा लग रहा है तो मैं इसको जियो स्टेशनरी कह सकता हूं यानी अगर मैं इसमें किसी सैटेलाइट को रखूंगा तो वो मुझे हर वक्त उसी पोजीशन पे दिखाई देगी हर वक्त वो मुझे उसी पोजीशन पे दिखाई देगी तो जब मैं अर्थ सैटेलाइट को देखूंगा तो ये सैटेलाइट मेरे को अर्थ से अर्थ के साथ दिखाई देगी तभी इसको दिखाई दिया है बाकी इन ऑर्बिट्स को देखूं ये जो है यहां पर देखना अब यहां से जो सेटेलाइट मूव करेंगी यहां से एक दो तीन मुझे जो सेटेलाइट यहां से निकलती हुई दिखाई दी दे आर नॉट इन अ परफेक्ट सर्कल ये परफेक्ट सर्कल मुझे नहीं दिख रहा है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है क्यों क्योंकि जब मैं इसको साइड के एंगल पे देख रहा हूं तो आई फाउंड आउट कि वो जो ऑर्बिट है वो फ्लैट नहीं है रेदर वो थोड़े से एंगल पे इंक्लाइंड है अब जब वो एंगल पे इंक्लाइंड है तो यहां पर अभी बात ध्यान रखनी पड़ेगी ड्यू टू दिस इंक्लीनेशन इस इंक्लीनेशन के चलते क्योंकि जब इन इंक्लिनिएशन की मैं बात करूं तो जो सेटेलाइट है वो ये इक्वेटर है मान लो तो सेटेलाइट जो है अर्थ है ये अर्थ का इक्वेटर है ठीक है तो सैटेलाइट जो है वो यूं है ऐसे एंगल पे घूम रही है ऐसे इस एंगल पे घूम रही है तो जब वो इस एंगल पे घूम रही है तो वो कभी तो अर्थ को क्रॉस करके नीचे जा रही है और कभी वो वापस ऊपर चढ़ते वक्त अर्थ को क्रॉस करके ऊपर आ रही है ठीक है तो जब वो अर्थ के अलग अलग लेटिट्यूड्स के बगल से निकल रही है तुम ये मान लो तो उसके चलते इस सेटेलाइट की जो ये ट्रेजेक्ट्री है ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर स्पीड वेरिएशन होगा कैप्टन साहब ने बोला है और वो जो स्पीड वेरिएशन होगा वो ऐसा होगा कि माना इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट घूमेगी तो वो इस पोजिशन पे एग्जैक्टली exactly उतने समय बाद ही आ जाएगी जितने समय में धरती पूरा चक्कर काटेगी लेकिन वो कभी तो धरती से तेज चल रही होगी और कभी वो धरती से धीरे चल रही होगी तो जब वो धरती से तेज चल रही होगी जब वो सैटेलाइट धरती से तेज चल रही होगी तो वो कभी तो अपनी पोजीशन से हमें हमें वो अपनी पोजीशन से कभी तो पीछे दिखाई देगी और कभी वो हमें अपनी पोजीशन से आगे दिखाई देगी यानी अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैंने अर्थ ली अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट बनाई और उस ऑर्बिट को थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया यानी कहीं स्पीड ज्यादा कहीं स्पीड कम जैसा कि ये जो ऑर्बिट दिख रहा है तो मैंने क्या करा मैंने अर्थ के चारों तरफ एक सेटेलाइट को लिया और उस सेटेलाइट को अब सन की जगह इसको अर्थ मान लो और उस सेटेलाइट को इस ऑर्बिट में रख दिया जब मैं उसको इस ऑर्बिट में रखूँगा और मैंने इस ऑर्बिट को ऐसा बनाया कि इस ऑर्बिट में घूमने का जो टाइम पीरियड है सेटेलाइट का वो उतना ही है जितना कि अब इसको मैं बोल देता हूँ मान लो ये अर्थ है तो अर्थ के घूमने का अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड है इस ऑर्बिट में सैटेलाइट के घूमने का तो जो सैटेलाइट मैंने यहां पर रखी है वो सैटेलाइट काटती है ठीक तो ये ये है।, है लेकिन यहां पर जब सैटेलाइट आएगी तो उसकी स्पीड तेज है यानी अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं अर्थ के ऊपर जहां से मैं सेटेलाइट को देखूंगा तो जब वो यहां से सेटेलाइट निकल रही होगी तो उसकी स्पीड तेज है तो वो मुझे आसमान में आगे दिखाई देगी और जब वो सेटेलाइट घूम कर इस पॉइंट को क्रॉस कर रही होगी तो उसकी स्पीड इस रोटेशन की स्पीड से कम होगी तो जब मैं यहां से देख रहा हूँ उस सेटेलाइट को मान लो इस लोकेशन से देख रहा हूँ जब अर्थ रोटेट हो रही है तो जब रोटेट हो रही है अर्थ तो सेटेलाइट मुझे पीछे दिखाई देगी तो ये जो थी चीज़ है वो यहां पे हो रही है कि ये जो सैटेलाइट है जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है वो चक्कर तो पूरा एक दिन में ही काट रही है लेकिन कभी उनकी स्पीड धरती से ज़्यादा है तो वो हमें आगे दिखाई दे रही है कभी उनकी स्पीड धरती से कम है तो हमें पीछे दिखाई दे रही है अब बात ये आई कि आगे पीछे तो समझ में आ गया लेकिन ये आठ का आंकड़ा क्यों बन रहा है एट क्यों बन रहा है एट इसलिए बन रहा है क्योंकि वो सैटेलाइट कभी तो हमें क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो जब वो ऊपर जा रही है तो उसकी पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है फिर जब वो घूम कर वापस नीचे आ रही है तो फिर उसकी पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मुझे एट का फिगर मिलेगा अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहां देखो अब तुम बोलोगे कि ये वेरिएशन और ये वेरिएशन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये जो ऊपर नीचे का वेरिएशन हो रहा है यहां पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेटेलाइट एग्जैक्टली अलाइंड नहीं है रेदर ये थोड़ी सी टिल्टेड है पाँच डिग्री पे पाँच डिग्री के आसपास का जो टिल्ट है वो इतना कम है कि हमें यहाँ पर जो आठ का फिगर यहाँ पे भी बन रहा होगा लेकिन वो हमें परफेक्ट दिख नहीं रहा है तो हमें बस ये ऊपर नीचे जाती हुई दिख रही है लेकिन इस केस में जो ये टिल्ट है ये इतना ज़्यादा है कि ये हमें आगे पीछे का वेरिएशन बड़ा प्रोमिनेंटली दिख रहा है इसको एक और एंगल से देखें तो अब हम सामने से देख रहे हैं अर्थ है और सैटेलाइट्स को सामने से देख रहे हैं तो ये जो वेरिएशन है बनना तो यहां पे भी आठ ही चाहिए एट बनना चाहिए यहां पे भी क्योंकि देर इज नो परफेक्ट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लेकिन यहां पर एट इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यहां पर जस्ट पांच डिग्री का टिल्ट है बहुत कम टिल्ट है तो सेटेलाइट हमें ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई तो दे रही है यानी यहां पर मैं कह सकता हूं इसको एकदम बहुत ज्यादा जूम करें तो यहां पे छोटा सा ऐसा एट बन रहा होगा लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होगा हमें ऐसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है ये हमको ज्यादा नहीं दिखाई देगा लेकिन क्योंकि इनका टिल्ट बहुत ज़्यादा है इन सेटेलाइट्स का तो जब ये सेटेलाइट इक्वेटर को क्रॉस करके जब ऊपर जा रही है तो यहां पे जब इधर जा रही है तो ये पीछे रह जा रही है और फिर यहां पे घूम के जब आ रही है तो ये आगे निकल जा रही है इक्वेटर को क्रॉस कर रही है यहां पर ये अर्थ के रेस्पेक्ट में पीछे रह जा रही है फिर क्रॉस करके आगे निकल जा रही है तो ये है ईस्ट वेस्ट का इनका डिस्टोर्शन और इंक्लाइंड ऑर्बिट के कारण ये है इनका ऊपर नीचे का डिस्टोर्शन तो ये भी मुझे समझ में आ गया कि इनका ये बड़ा लूप और ये छोटा लूप क्यों बन रहा है नेक्स्ट देखें अब ये तो मुझे ऑलमोस्ट फिक्स्ड पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं यहां पर मुझे सर्कल क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मेरा अर्थ फिक्स्ड पोलर व्यू है अर्थ फिक्स्ड पोलर व्यू मतलब अर्थ से ऊपर से मैं देख रहा हूं अर्थ को फिक्स कर दिया तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के रिस्पेक्ट में एकदम फिक्स्ड है यानी अर्थ अगर ऐसे इधर देखेंगे तो यहां रहेगी अर्थ अगर रोटेट हो जाएगी तो ये यहां रहेगी अर्थ और रोटेट हो जाएगी तो ये यह यहां रहेगी यानी इस पॉइंट के लिए यह सैटेलाइट फिक्स है तो हो गई ये जियो स्टेशनरी लेकिन यहां पर जो सैटेलाइट है वो इंक्लाइंड ऑर्बिट में थी ऐसे इंक्लाइंड ऑर्बिट में थी तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा जैसे इसको देखो अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे घुमावदार जो चीज है तुम इसको ऊपर से देखोगे तो इस लूप को अगर तुम ऊपर से देखोगे ऐसे एक लूप को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा इसका टॉप व्यू कैसा होगा इसको ऊपर से देखोगे तो तो जब ये ऊपर जा रहा है यहां पे सेंटर को क्रॉस करा ऊपर से देखोगे तो तुमको एक छोटा सा गोला दिखाई देगा ये नीचे आ गया अब जब ये क्रॉस करेगा तो फिर एक और तुमको गोला दिखाई देगा तो ऐसे तुमको दो गोले दिखाई देंगे जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है अंदर वाले गोले में मैं ऊपर जा रहा हूँ और बाहर वाले गोले में मैं नीचे आ रहा हूँ यानी ये जो मेरा मोशन है तो जब मैं ऊपर जा रहा हूँ इसका ये बाहर वाला गोला हो सकता है और जब मैं घूम के वापस नीचे आ रहा हूँ तो इसका अंदर वाला गोला हो सकता है इसका मतलब ये कि ये जो जियो सिंक्रोनस इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के सेटेलाइट्स हैं इनकी जो पोजिशन है वो अर्थ के रेफरेंस के हिसाब से कभी अर्थ से आगे है कभी अर्थ से पीछे है लेकिन चक्कर काटने का जो पूरा टाइम है यानी जो दो गोले पूरे करे जा रहे हैं ये जो दो गोले पूरे हो रहे हैं इनको पूरा करने का टाइम उतना ही है जितना अर्थ को रोटेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि फिर फाइनली ये क्रॉस उसी पॉइंट पे करेंगे तो दोस्तों दिस इज द रीजन कि क्यों हमें इस पर्टिकुलर फिगर में इनको एक सिंपल लोकेशन पे रिप्रेजेंट किया गया है जो है हमारी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की सेटेलाइट याद रखना बट परफेक्ट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटेलाइट नहीं जा पाती इनका भी थोड़ा थोड़ा मोशन रहता है ये भी छोटा छोटा एट टाइप बनाते हैं क्यों क्योंकि आईआरएनएसएस में इनका इंक्लिनेशन भी पांच डिग्री के आसपास है इनका इंक्लिनेशन ज़्यादा है इनका इंक्लिनेशन ज्यादा है इसलिए हमें ये ऊपर और नीचे जाती हुए दिखाई देते हैं और सिंस इंक्लिनेशन ज्यादा है इसके चलते इनका जो ये ईस्ट वेस्ट वाला जो डिस्टोरशन है ये भी प्रोमिनेंट दिखाई देता है और ये हमें एट का फिगर दिखाते हैं और ऐसा क्यों हो रहा था बिकॉज ये कभी अपनी पोजिशन से आगे जा रही और कभी अपनी पोजिशन से पीछे रह जा रही है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड सो दोस्तों आई हैव ट्राइड इन दिस वीडियो टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लाइक like कर लेना शेयर कर देना सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर से दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आते रहे तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक मिलेंगे मेरे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं और एक चैनल की मेंबरशिप का भी लिंक है जिसको तुम अगर क्लिक करके चैनल का मेंबर बनते हो तो दैट इज अ वे टू शो अस सम लव एंड सपोर्ट सो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद